को जब तक राधा भाव और द्युति प्राप्त नहीं करेंगे तब तक उस प्रेम को वे प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए श्री राधिका की प्रणय महिमा कैसी, इसको जान। प्रणय महिमा का तात्पर्य है राधिका में संपूर्ण समर्पण है। ऐसा समर्पण जब तक राधा भाव और द्युति श्री गौर कांति और गौर भाव मुझे नहीं मिलेगा तब तक उस भाव को मैं प्राप्त नहीं कर सकता हूं। यह राधिका की प्रणय महिमा है। दूसरी अभिलाषा जो निकुंज में पूरी नहीं हुई, यह अभिलाषा, इस अभिलाषा को पूरा करने के लिए श्री कृष्ण को भी राधा भाव द्युति धारण करके गौर होकर के प्रकट करना पड़ा। निकुंज में एक दूसरी अभिलाषा पूरी नहीं हुई और वो अभिलाषा थी कि राधिका का सुख कितना बड़ा है, आश्रय जाति सुख निसंदेह बड़ा है विषय जाति सुख की अपेक्षा। क्योंकि आश्रय जाति सुख में समर्पण है, विषय जाति सुख में गृहीतापन है। एक जगह सुख का समर्पण है, एक जगह सुख का मैं भोगता हूं यह भाव विराजमान है। भोगता बने के भाव में कहीं स्वार्थ की कालिमा विराजमान रहेगी, स्वार्थ की छाया विराजमान रहेगी, परंतु समर्पण में छाया नहीं है। इसलिए समर्पण का जो सुख है वह अधिक है श्री राधाया प्रणय महिमा की दशा। इसलिए राधिका का सुख भी बड़ा है। ये राधिका के सुख को प्राप्त श्री कृष्ण नहीं प्राप्त कर सके। कृष्ण मन में विचार करते हैं मिश्री बन करके मिश्री का स्वाद नहीं लिया जा सकता, मिश्री से अलग होकर के ही मिश्री का स्वाद लिया जा सकता है। मैं अपने माधुर्य का स्वयं आस्वादन नहीं ले सकता हूं, अपने से जब भिन्न होऊंगा तब उस माधुर्य का आस्वादन प्राप्त करूंगा। और उस आस्वादन को प्राप्त करने के लिए श्री श्याम सुंदर की तीसरी अभिलाषा कि मेरा अपना सौंदर्य कैसा है, इस सौंदर्य को मैं प्राप्त करूं, उसके लिए श्री कृष्ण किशोरी जी के चरणों में जब गिरते हैं और किशोरी जी अपना जब रूप प्रदान करती है तब रूप के द्वारा को वे उस प्रेम का दान करते हैं और भाव के द्वारा कृष्ण रूप में जो आस्वादन प्राप्त नहीं किया सकता उस आस्वादन को स्वयं भोगते हैं, तो स्वयं का भी लाभ और उस लाभ में जगत को भी प्रदान करते हैं। इसी प्रकार श्री विश्वामंद जी की भी तीन अभिलाषाएं थी जो निकुंज में पूरी नहीं हुई। एक अभिलाषा के हाय कृष्ण प्रेम को मुझे यहां राधिका रूप में सर्वदा सर्वदा छिपाना पड़ता है, प्यारे की याद करके कभी आंसू आते हैं तो सखी पूछती है क्या हुआ क्यों हो रही है, उसने सखी से भी छिपाती है, कहती है बुलारी सखी धुआं आंख में लग गया इसलिए आंसू आ गए, धुआं छलना कर नवते ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि वहां धुआं की छलना करके अपने भाव को छिपाने का तो अवृत्था न करनी पड़े। निकुंज में अवृत्था करनी पड़ती है, अपने भाव को छिपाना पड़ता है, परंतु गौर रूप में अपने भाव को छिपाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। दूसरी एक अभिलाषा थी जो निकुंज में श्री किशोर जी की पूरी नहीं हुई कि जब चाहे उड़ करके प्यारे से मिल जाए। निकुंज में श्री प्रिया अपनी बुझी हुई बैनी को खोल देती है और अपने केशों को धटकारती है, फैलाती है, केशों को उछाल उछाल करके खोल करके दिखाने का प्रयत्न करती है, संभालने का प्रयत्न करती है, ये विचार करके कि कदाचित ये केश ही पंख बन जाए और जैसे एक पक्षी पंख के सहारे उड़ करके चला जाता है प्यारे की छवि मुझे आकाश में मेघ में दिख रही है, यदि ये मेरे केश पंख बन जाए तो अभी उड़ करके प्यारे के कंठ को ग्रहण कर लो। कुल बधु कुल नायिका स्वरूप में श्री प्रिया स्वच्छंद कदम नहीं कर सकती है, परंतु जब गौण स्वरूप धारण कर लेती है तो वे श्याम सुंदर के पास में उन्मुक्त होकर के चाहे कोई तीन तीन केवाल बंद कर ले तब भी गंभीरा के तीन पर्वताओं को त्याग करके से भी निकल करके श्री कृष्ण
प्रेम में बाहर जहां चाहे वहां ढूंढनी है। दूसरी अभिलाषा, तीसरी अभिलाषा नुकुंज में किशोरी जी की पूरी नहीं हुई, वो अभिलाषा थी कि अनर्पित चरी भक्ति का मैं दान सबको नहीं कर सकी, पर उस अनर्पित चरी भक्ति का उन्मुक्त रूप से मैं दान करूं। ये तीसरी अभिलाषा उनकी अधूरी रह गई, नुकुंज में पूरी नहीं हुई। अर्थात राधिका दास्य बना करके युगल की सेवा करने का जो सुख, वो सुख वहां पर हरेक को नहीं मिला। नुकुंज मंदिर में रेवड़ी बटी, जैसे अंधा रेवड़ी बांटे तो अपने अपने को देता है, ऐसे ही जो नुकुंज में पहुंच गए हैं उनको तो मंजरी भाव मिला, अन्य लोगों को मंजरी भाव नहीं मिला। पर जब श्री किशोरी जी आप श्री गौड़ हरि के स्वरूप में विराजमान हुई, उस समय उस प्रेम का उन्मुक्त रूप से आपने दान किया और अनर्पित चरी चरा करुण कलम, जहां पर सर हाथी से वृक्ष उनको भी प्रेम में नचाते हुए विराजमान। ये तीन अभिलाषा किशोरी जी ने पूरी की। इसी तरह से तीन अभिलाषाएं नुकुंज में सखियों की भी पूरी नहीं हुई। सखी भी शाम सुंदर को देख रही है कि इनमें प्रेम में थोड़ी कचाई है और इनके प्रेम की कचाई दूर होनी चाहिए, आत्मा रामता पूर्ण कामता थोड़ी सी इनमें कहीं छिपी हुई रह गई है। कब वो अवसर होगा जबकि उस आत्मा रामता पूर्ण कामता का भी त्याग करके भिक्षुक बन करके ये उन्मुक्त होकर के उस प्रेम का आस्वादन करेंगे। जगत पालन की जो चिंता वो कहीं अवचेतन में विराजमान है, अनकॉन्शियस में विराजमान है, उससे भी मुक्त होकर के स्वयं ये अपने रूप से उस प्रेम का दान करके विराजमान होंगे। आत्मा राम उसका नाम, जहां पर सुख की प्राप्ति करने के लिए किसी दूसरे की अपेक्षा न हो, उसका नाम है आत्माराम। कृष्ण को सुख प्राप्त करने के लिए प्रिया जी की अपेक्षा रही, प्रिया जी को सुख प्राप्त करने के लिए कृष्ण की अपेक्षा रही, कृष्ण में विशेष रूप से रही, इसलिए श्री कृष्ण आत्माराम नहीं हो पाए, आत्माराम हो गए और वे पूर्ण सेवा नहीं कर सके। पर उस आत्मारामता का भी त्याग करके श्री कृष्ण जहां सेवा करते हुए विराजमान, ये कब होगा जबकि इनमें आत्मारामता भी नहीं रहेगी और श्री किशोरी जी की उस प्रेम का आस्वादन प्राप्त करने के लिए सर्वदा सर्वदा व्याकुल होकर के रहे। तो वो अभिलाषा एक पूर्ण आत्मारामता का त्याग करके प्रेमी स्वरूप प्रेमारामता प्राप्त करके ये कब विराजमान होंगे। तो प्रेमारामता की प्राप्ति, आप काम किसको कहते हैं, अपने फल की प्राप्ति हो जाने पर फिर साधन का त्याग कर दे, उसका नाम है आप काम। श्री श्याम सुंदर इनमें आप कामता नहीं है पर उस आप कामता का कहीं आभास है, वो आभास भी त्याग करके सब कुछ त्याग करके ये कब उस भाव को धारण करेंगे और ये कहेंगे ना हम बिल्कुल बच गर्भपति ही ना हम वैश्यो न शूद्र है नच गृहपति नो वनस्थो यतुर्वा किंतु पुरोद्यत परम प्रेमानंद सानंद पूर्णते राधा भक्त पद कमल दास दासांत दास। इस भाव को धारण करते हुए कब विराजमान होंगे, तो ये अभिलाषा इतने प्राप्त। तो आत्मरामता आत्मकामता और जो क्रुद्ध हो श्री प्रिया जी के प्रेम को बढ़ाने के लिए जो ये विरह प्रदान करते हैं, उस विरह का स्वयं भी आस्वादन करके ये देखें। हित करने वाले का अनजाने में अहित न हो जाए, ये जो दोष है इस दोष से भी मुक्त होकर के विराजमान हो, तो वो श्री गौर स्वरूप श्री राधारानी का स्वरूप प्रेम का सर्वोत्तम स्वरूप रहा। और जब श्री राधारानी आप श्री गौर हरि के रूप में विराजमान हुई तो उस प्रेम का
परिपूर्ण रूप से आस्वादन, परिपूर्ण रूप से भोग और दान करते हुए विराजमान श्री राधिका की ऐसी अपूर्व महिमा, उनके स्वरूप का तो क्या निरूपण किया जाए। श्री राधिका के तत्व का निरूपण हो गया, उनके प्रेम की परिपूर्णता का निरूपण हो गया, अब उनके यदि वैभव और ग्लोरीज का, उनके वैभव का यदि निरूपण किया जाए तो उसके लिए बहुत बढ़िया श्लोक है, देवी कृष्ण वही प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्व लक्ष्मी वही सर्व कांति ही सम्मोहिनी परा। श्री नारायण देवी होकर के विराजमान, देवी शब्द के यूं तो बहुत सारे अर्थ हैं द्विगु धातु के, परंतु द्विगु धातु का मुख्य अर्थ है ज्योति होना और क्रीड़ा करना, द्विगु क्रियायान धातु में और द्विगु चमकने के अर्थ में, दिव्यता के अर्थ में, दो अर्थों में द्विगु धातु का प्रयोग होता है। देवी कहने का तात्पर्य है श्री विश्वानंद ने परम सुंदरी होकर के विराजमान, देवी शब्द कहे द्योत माना सुंदरी, द्योत माना होकर के भी विराजमान देवी, अथवा जो क्रीड़ा करने वाली होकर के विराजमान है उनका नाम है देवी। श्री राधिका के देवी रूपता के कारण, क्रीड़ा के कारण ही उनकी सर्वोत्तम श्रेष्ठता है। वैकुंठ में श्याम सुंदर श्री वैकुंठनाथ ने लक्ष्मी जी के साथ में रास नहीं किया, राम की मर्यादा में रहे, कभी आप प्रकट में रास करते हुए धीर ललित होकर के विराजमान नहीं हुए, धीरोदात्त स्वरूप ही श्री राम का सर्वदा सर्वदा प्रकट में रहा। एकांत में भले कुछ रहा हो श्री चित्रकूट की लीला में, श्री कनक महली भवन की लीला में, वो स्वरूप रस्तों ने उस स्वरूप का भी आस्वादन किया, परंतु वो केवल सीमित रूप में रहा, सर्वत्र प्रकट होकर के श्री राम जी का वो स्वरूप सामने नहीं आया। तो देवी कृष्णमयी कहने का तात्पर्य है जहां जहां भी दृष्टि डाले वहां कृष्ण ही इनको सामने दिखे, कृष्णमयी, भीतर भी कृष्ण है बाहर भी कृष्ण है। श्री लीला बिहारी ही दो स्वरूपों में आश्रय विषय होकर के विराजमान, ये अभी निरूपण किया, तो जो एक तत्व है वो तत्व कृष्णमय ही है, तो स्वरूप भी कृष्णमय है, भीतर भी कृष्ण का विषय रूप में स्मरण कर रही है और बाहर भी जहां जहां दृष्टि डालती है वहां पर कृष्ण ही इनको दिखते हैं। तो देवी कृष्णमयी प्रोक्ता का तात्पर्य है संपूर्ण शास्त्रों में जिनकी महिमा का गायन किया गया, प्रोक्ता मन प्रसन्न विश्व राधिका शास्त्रों के सार रूप में और शास्त्रों में परमपरमों पास्य रूप में ही स्थापित हुई, क्यों कृष्ण के माधुर्य का श्री राधिका के बिना स्मरण नहीं किया जा सकता। वे मधुर है इस बात की पुष्टि तब तक होगी ही नहीं जब तक कि श्री राधिका उनके पास में विराजमान नहीं है। जब राधिका के सहित श्री कृष्ण विराजमान है उस समय वे मदन मोहन है, अन्यथा वे भी श्री राधिका का स्मरण करने के कारण विरही होकर के विराजमान हुए और विरह स्वरूप में उनकी मदन मोहनता स्वयं मोहित होकर के रहने के कारण उनका सौंदर्य उनकी मदन मोहनता परिपूर्ण रूप में प्रकट नहीं हुई। राधा संगे यदा भाति तदा मदन मोहना अन्यथा विश्व मोहोपी स्वयं मदन मोहिना। तो देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका वे राधिका होकर के विराजमान, किशोरी जी के आठ विशेषण यहां पर दिए गए इस श्लोक में, वे आठों अपूर्व वैभव को प्रकट करने वाले श्री राधिका होकर के विराजमान। राध धातु के अनेक अर्थ हैं, राध धातु का अर्थ है संपत्ति, राध धातु का अर्थ है सौंदर्य, राध धातु का अर्थ है इच्छा,
परंतु ये अर्थ और भी बहुत सारे अर्थ हैं, परंतु रात धातु के दो अर्थ प्रधान हैं, एक तो साधना और एक सिद्धि। श्री राधिका में जैसी श्याम सुंदर की सुख देने की साधना विद्यमान है, प्यारे को सुख देने की जैसी प्रवृत्ति श्री राधिका में विराजमान है, ऐसी प्रवृत्ति कहीं दूसरी जगह नहीं है। अतः राधिका तात्पर्य है सेवा साधना। श्री राधिका जैसे श्री श्याम सुंदर की उपासना करती है, अतः सब प्रकार से अपने अंग संग कभी मान कभी मिलन दोनों के द्वारा जैसी वे श्याम सुंदर की परिपूर्ण रूप से सेवा करती हुई विराजमान है, ऐसी कहीं दूसरी जगह ऐसी सेवा प्राप्त नहीं हो सकती है। राधिका तत्व का यदि विचार करेंगे तो वहां पर यह बात अपने आप आएगी, राधिका फिर आराधिका होकर के विराजमान है। और राज धातु का दूसरा अर्थ होता है सिद्धि। जैसी प्रेम की सिद्धि श्री राधिका में है, ऐसी प्रेम की सिद्धि कहीं दूसरी जगह है ही नहीं। सर्वोत्तम प्रेम की सिद्धि श्री राधिका में ही विराजमान है। राधिका पर देवता पर देवी होकर के पर देवता होकर के विराजमान, अर्थात प्रेम का दान करने वाली, प्रेम से द्योतित होने वाली, प्रेम से सदा सदा जिनका प्रेम बढ़ता हुआ विराजमान हो, ऐसे स्वरूप को धारण करने वाली वे देवता होकर के विराजमान। देवता अकस्मात यास मुनि कहते हैं दानाथ द्योतनाथ दीपनाथ, वह जो दान करे उसको देवता कहेंगे। श्री राधिका के बिना प्रेम का दान कोई प्राप्त कर ही नहीं सकता है। दूसरी जगह से बलभक्त का दान मिल जाएगा, मोक्ष का दान मिल जाएगा, बल ही प्रेम का दान मिल जाएगा, पर शुद्ध प्रेम का दान कहीं श्री किशोरी जी के परकर के बिना कभी मिल ही नहीं सकता है। अनाराध्य राधा पदा भूयुग्म अनाशक्त वृंदादि तत्पदां का असंभाष्य तत्भाव गंभीर चित्तान श्याम सुंदर रसस्य आहुराह। तीन शर्त है, जब तक तीन शर्त जो तीनों शर्त श्री राधिका से संबंधित है, उन तीन शर्तों को जब तक पूरा नहीं किया जाएगा तब तक शुद्ध प्रेम का दान प्राप्त नहीं हो सकता है, शुद्ध प्रेम का अधिकारी व्यक्ति नहीं हो सकता। पहली शर्त है अनाराध्य राधा पदां भूयुग्म, अपने आप को राधिका परकर में मानना, मैं राधिका की दासी हूं। दूसरी शर्त है श्रीमद वृंदावन में निवास, उनकी रज का आश्रय, भाव में श्री राधिका की दासी हूं, यह भाव व्यवहार में श्री राधिका चरण रज उस वृंदावन की रज का आश्रय, और साधन के क्षेत्र में असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्ता रसिक जनों का संग। ये तीनों जब तक नहीं किए जाएंगे तब तक दान की पूर्णता नहीं होगी। दान की पूर्णता प्राप्त करने के लिए, दान के उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए कि श्री राधिका के द्वारा दिया गया जो कृपा का दान है, उस दान को हम प्राप्त करें, उस रंग को हम प्राप्त करें, उस रंग के लिए तीन शर्त साधक को पूरी करनी पड़ेगी। राधिका परिकर में द्विज का अभिमान, वृंदावन का वास और रसिक जनों का निरंतर निरंतर संघ, ये तीन होंगे तो दान प्राप्त होगा। राधिका पर देवता पर देवी होकर के श्री राधिका विराजमान है, वे द्योतित भी हैं और दीप्तमान भी हैं, प्रीति निरंतर निरंतर बढ़ती हुई सर्वदा सर्वदा विराजमान है। वे पर सर्वोत्तम वस्तु का दान करने वाली, सर्वोत्तम वस्तु प्रेम से दीपित और सर्वोत्तम वस्तु प्रेम को निरंतर निरंतर बढ़ाने वाली होकर के विराजमान है। सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति होकर के विराजमान, अर्थात जैसा सौंदर्य यहां है ऐसा सौंदर्य कहीं दूसरी जगह नहीं। और कांति का मतलब है इच्छा, उनकी जितनी भी इच्छाएं हैं वे श्री श्याम सुंदर के लिए हैं,
शांतनु की जितनी इच्छाएं हैं वो प्रिया जी के लिए, प्रिया जी की सारी इच्छाएं शांतनु के लिए। अतः सर्व कांति सर्व लक्ष्मी सर्व कांति ही सम्मोहिनी, जो सम्मोहिनी होकर के विराजमान जगन मोहन कृष्ण उनकी भी मोहिनी होकर के विराजमान। अतः शास्त्र उनको राधा पराठकुणी करके निरूपण करता है। तो सर्व लक्ष्मी मई सर्व कांति ही सम्मोहिनी, परा का तात्पर्य है वे श्री राधिका की भी ठकुरानी होकर के विराजमान। तो सिद्धांत की दृष्टि से, स्वरूप वर्णन की दृष्टि से एक बड़ा सुंदर श्लोक आनंद चिंतन रस प्रतिभा स्वरूप का वर्णन करने वाला। सिद्धांत और ब्रह्म के वर्णन की दृष्टि से रुद्रयामल का यह श्लोक श्री राधा तत्व का परिपूर्ण रूप से विस्तार करने वाला, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता। और यदि माधुरी की दृष्टि से कहीं देखा जाए तो माधुरी की दृष्टि से सर्वोत्तम जो उपास श्लोक है और श्रीमद भागवत का भी पुराण जो श्लोक है वो श्लोक है न पारी हम न पारी न पारी हम निर्वृत्ति संयोजा ससार कृत्यम दुर्धायुषा में वा या मा भज दुर्जन के श्रृंखला सप्रच पर प्रतिया साधना। ये प्रीति जहां पर श्री श्याम सुंदर भी श्री किशोरी जी के प्रेम में आप शरणागत होकर के विराजमान, ऐसी वे श्री राधिका परा होकर के अपूर्व से विराजमान। तो प्रेम लीला में सर्वोत्तमता, वैभव में सर्वोत्तमता और स्वरूप में भी सर्वोत्तमता, ये तीनों यदि सर्वोत्तम संपूर्ण स्वरूप को यदि एक शब्द में कहा जाए कि सर्वोत्तम रस तत्व क्या है, सर्वोत्तम सिद्धांत और तत्व क्या है, तत्व विवेचन क्या है और सर्वोत्तम वैभव क्या है, इन तीनों को एक शब्द में कहा जाए तो वो शब्द होगा राधा। राधा शब्द कहने के कारण कहने पर भगवान के तत्व का सर्वोत्तम स्वरूप सामने आएगा, भगवान के वैभव का सर्वोत्तम स्वरूप सामने आएगा और भगवान के प्रेम का सर्वोत्तम स्वरूप सामने आ जाएगा। जितना भी रस साहित्य है उस सब रस साहित्य का एक शब्द में रूपक करना हो तो वो शब्द श्री राधा शब्द ही होगा। प्रेम की ऐसी पराकाष्ठा श्री किशोर जी में विराजमान, उसके लिए कहीं कहा गया कि यथा राधा प्रिया विष्णु तस्या कुंड प्रियम तथा, पर पुराण में उसकी उदारता का, उनकी उदारता का परिपूर्ण रूप से श्री राधा कुंड और श्री किशोरी जी अलग अलग नहीं है। विष्णु कहकर के दिखाया कि महारास में प्रत्येक गोपी के पास में, प्रत्येक स्वामी के, प्रत्येक प्रेसी के पास में श्री श्याम सुंदर जहां व्याप्त तो होकर के विराजमान, उनका नाम है विष्णु। विष्णु व्याप्त और स्नुज प्रत्यय लगकर के विष्णु शब्द बना है, इसका तात्पर्य है जो सब जगह व्याप्त होकर के विराजमान। अंगना मंगना मंतरा माधवम 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 चांतने रांगना इतमा कल्पते मंडले मध्य गोसल जगो वेणुना देवी की नंदना। तो विष्णु शब्द का तात्पर्य कोई ऐश्वर्य का स्मरण नहीं है, ऐश्वर्य में कोई स्वरूप है उसका स्मरण नहीं है। विष्णु शब्द का तात्पर्य है लीला में भी जो विष्णु होकर के विराजमान, सब गोपियों के साथ में जो व्यापक होकर के विराजमान। अतः यथा राधा प्रिया विष्णु, श्री किशोरी जी की इच्छा को पूरा करने के लिए श्री श्याम सुंदर आप महारास में प्रिया ने जितने स्वरूप धारण किए या जहां जहां अपने वैभव को जिन जिन गोपियों में स्थापित किया उनके साथ में श्री श्याम सुंदर की स्वरूप को धारण करके विराजमान। श्री प्रिया जी का प्रकटक्रिया में देव स्वरूप 7 वर्ष 6 महीना 7 दिन, परंतु जो परम परम उपास्य स्वरूप है वो 14 वर्ष
जो स्वरूप है 14 और 26 7 दिन, जो स्वरूप है वो राष्ट्रीय से लेकर के शतक पूर्ण, तो 14 वर्ष हो गए, तो एक भादो से लेकर के क्वार एक महीना बीच में और फिर 7 दिन और, ऐसे 14 वर्ष 1 महीना 7 दिन वो उनका प्रकट स्वरूप। रसको ने जो दर्शन किया राजमंडल में कुंडिया जी के उस स्वरूप का ही दर्शन किया। सो नृत्य किशोरी होकर के भी विराजमान है, और नृत्य किशोरी होने का तात्पर्य यह है कि ध्येय स्वरूप वहां जहां नृत्य कैशोर में विराजमान हो, नृत्य कैशोर स्वरूप ऐसा जो कि अन्य बाल्य और कौवर की अवस्थाओं को भी आत्मसात करते हुए परिपूर्ण रूप से विराजमान, ऐसा वो नित्य किशोरी स्वरूप उनका विराजमान। कैशोर अवस्था ब्रज में इतनी बलवान है कि वह बाल्य पवन अवस्था को ढांक करके, पवन के द्वारा बाल्य अवस्था को ढांक करके किशोर ही मुकुटमणि होकर के विराजमान होता है। यह रस की अपूर्व स्थिति है। रस में श्री प्रिया जी का जो ध्येय स्वरूप है वह मध्यानायिका का स्वरूप है। मुग्धा में रस का उल्लास नहीं है, जो उखला है उनमें कहीं खुलापन ज्यादा है, ऐसी स्थिति में वे मध्यानायिका स्वरूप होकर के विराजमान। प्रिया जी का जो स्वरूप ध्येय होकर के विराजमान वो धीरा धीरा स्वरूप मान में, उनका स्वरूप धीरा धीरा होकर के विराजमान, तो मध्या स्वरूप नहीं प्रौढ़ स्वरूप नहीं, मध्या स्वरूप है वही की दृष्टि से, रस की दृष्टि से, मान की दृष्टि से यदि देखा जाए तो मन मान की दृष्टि से शिवप्रिया का जो स्वरूप है वो धीरा धीरा का स्वरूप है। धीरा में अपने प्रेम का परिपूर्ण प्रकाशन नहीं है, वहां भीतर घुट घुट करके अपनी क्रोध को पीने की प्रवृत्ति है, परंतु अधीरा में कहीं संतोष नहीं है, इसलिए खुल करके कहीं शांतनर की भस्मा करने की प्रवृत्ति है। दोनों स्थितियों में रस का पूर्ण प्रकाशन नहीं है, परंतु धीरा धीरा स्वरूप में रस का परिपूर्ण प्रकाशन। ये तो श्री स्वामी में सभी नायिकाओं के भाव विराजमान, पर सभी नायिकाओं के भाव विराजमान होते हुए भी उनका मुख्य स्वरूप धीरा धीरा स्वरूप ही होकर के विराजमान। अवस्था में किशोरी होकर के विराजमान, न मुग्धा न प्रौढ़ा, रस में न वे प्रखरा है न लघुए है, बल्कि समा होकर के श्री किशोरी जो विराजमान है और अपने यूथ में वे प्रधाना होकर के परिपूर्ण रूप से विराजमान, संपूर्ण वृंदावन का शासन करती हुई विराजमान, अनंत अनंत श्री प्रिया के गुण, उन गुणों का उनके जो सौभाग्य के लक्षण है उन लक्षणों का क्या निरूपण किया जाए। जो चरण चिन्ह श्री हस्त के चिन्ह है, छत्र आसन ध्वजवल पुष्प वलय 19 चरण चिन्ह अद्भुत होकर के विराजमान, श्री हस्त के चरण चिन्ह अद्भुत होकर के विराजमान, तो गुण तो अनेक अनेक विराजमान, परम कृपालु होकर के विराजमान, परंतु अनुभाव की दृष्टि से देखा जाए तो श्री प्रिया के प्रेम में विशेष रूप से जो अनुभाव प्राप्त होते हैं वे अद्भुत हैं। निमेश आसहता सन्न जनता हृदय कल्प क्षण खिन्न तत्सौख्यशंकया मोहात्म भाव आत्मा सर्व विस्मरण तथा इत्यादय भावास्य। श्री प्रिया में महाभाव के अनेक अनेक जो लक्षण है अनुभाव वे प्राप्त हो रहे हैं। जहां पर निमेशा सहता कृष्ण दर्शन करते हुए यदि पलक भी आ जाए तो उनको भी सहन नहीं कर पाते, आसन्न जनता है प्रयोजन और भी जो भी पास में है वो व्याकुल हो जाएगा, जल चेतन कोई भी हो सब व्याकुल हो जाए, वृंदावन के वृक्ष रोने लगे, वृंदावन की भूमि वो कहीं
व्याकुल हो जाए, तल्लीन हो जाए। आसन्न जनता ही गुरुड़ कल्प क्षणत्वम, एक एक क्षण कल्प शरीर का व्यतीत हो जाए कृष्ण वेग में, और बिलन में कल्प रात्रि क्षण शरीर की व्यतीत हो जाए। श्याम सुंदर को परम सुख है, परंतु सुख में भी हार प्यारे को कहीं कष्ट तो नहीं है। और यत्ते सुजात सनेश कैदर के सूखी जा रही है कि हाय वृंदावन के कहीं कांटे कंकर प्यारे के चरण में लग नहीं रहे हो, जबकि श्याम सुंदर को कोई दुख नहीं है, गैया चराने में परम आनंद का अनुभव कर रहे हैं। परंतु तत्सौक्ष्य भी आर्तशंकया खिंडकवा, श्याम सुंदर के सुखी रहने पर भी उनकी आरती की आशंका करके श्री स्वामी खिन्न हो जाती, मोहों का अभाव होने पर भी सब कुछ भूल जाए। ये गुण तो है ही, पर इनके अतिरिक्त दो गुण माधनाक्ष महाभाव के अद्भुत श्री लीला में प्रिया को प्राप्त होते हैं, और वो दो लीला के माधनाक्ष महाभाव के जो गुण है वो है कि यदि किसी में जरासी भी कृष्ण प्रेम की गंध है, कृष्ण कृपा की गंध किसी को देखें, तो उसको देख करके उसके प्रति अत्यंत आदर। और दूसरा जो अपूर्व गुण है श्री प्रिया का, श्री राधा रानी का, वो ये कि अयोग्य के प्रति भी ईर्ष्या, ये दोनों ही अपूर्वचकता है। यदि व्यतिरिक मुख से देखें तो यदि डिनाइल मूड में देखें तो व्यतिरिक मुख से देखने पर ये दोनों के दोनों जो गुण हैं वो व्यतिरिक के द्वारा प्रकट हो रहे हैं। जहां पर अयोग्य के प्रति ईर्ष्या, अयोग्य कौन, बोले वंशी, अब कहां तो श्री प्रिया का आस्वादन, और कहां लीला में वो जो वंशी है वो तो श्रृंगार का एक उपकरण है, जय है कोई है, पर उसके प्रति ईर्षा कि गोप्य के माचे वेणु, इस वेणु ने ऐसा क्या किया, कौन सा पुण्य किया। तो अयोग्य वंशी और राधिका इन दोनों की तुलना भी की जा सकती है। श्री राधिका परम परम लीला वही सचेतन, लीला में सर्वदा सर्वदा चेष्टाशीला होकर के विराजमान, जबकि वंशी एक जल उपकरण के समान विद्यमान, परंतु वंशी के प्रति भी ईर्ष्या, यह अयोग्य के प्रति ईर्ष्या, ये राधा प्रेम की कितनी हृदय में उत्कटता है कि अयोग्य के प्रति ईर्ष्या करें, योग्य के प्रति तो ईर्ष्या सभी करेंगे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु अयोग्य के प्रति ईर्ष्या करना यह राधिका प्रेम की ही विशेषता है, एक अद्भुत विशेषता।